हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एमकेआर किचन में। आज एमकेआर किचन में हम बनाने वाले हैं फलूदा, और वो भी सेवई से बनाएंगे और मैंगो फलूदा बनाएंगे, जो घर पर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेवई को बॉईल कर लिया है पहले से ही, थोड़ा सा पानी को बॉईल करके उसमें चीनी डाल लीजिएगा, जितना आपको मीठा पसंद हो उतना आप डालकर सेवई को बॉईल करके पानी को छान लीजिएगा और ठंडा पानी डालकर रख लीजिएगा साइड में। और यहाँ पर टूटी फ्रूटी हमने लिया है और ये कुछ ड्राई फ्रूट है, इसे भी हमने काट के ले लिया है। और मैंगो को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है हमने। और यहाँ पर सब्जा को भी हमने भिगो के रखा हुआ है पहले से। अब हम ग्लास लेंगे और इसमें हम सारी चीज़ों को असेंबल करेंगे। और मैंगो शेक भी हमने बनाया है यहाँ पर, मैंगो के पल्प को दूध जब ठंडा हो जाएगा उसे डालकर हम मैंगो शेक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टूटी फ्रूटी डालेंगे। अगर आपको रोज सिरप अगर पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हो। तो इसके टूटी फ्रूटी डालने के बाद हम क्या करेंगे, मैंगो शेक जो हमने बनाया था वो हम डाल देंगे। आपको जितना पसंद आप उतना डालिएगा, घर में बनाने से यही फ़ायदा है कि हमें जो पसंद है हम उसे अच्छी तरह से डाल सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे हम स्किप कर सकते हैं। तो इसके बाद हम डाल देंगे मैंगो चंक्स जो हमने काट के रखा हुआ है। और आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, मुझे आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप मेरे वीडियो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके बाद हम डाल देंगे काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम डालेंगे, आपको जितना पसंद आप उतना डाल सकते हो घर पर, हम अपने हिसाब से बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इसके बाद हम डाल देंगे सेवई का फलूदा। सेवई का फलूदा से बहुत ही टेस्टी होता है, आप ज़रूर से बनाइएगा। इसके बाद हम फिर डाल देंगे मैंगो शेक। अब हम डाल देंगे वनीला आइसक्रीम जो मैंने घर पर भी बनाया था, और इसमें मैंने डाला था टूटी फ्रूटी, बहुत ही टेस्टी होता है। अब घर पर आइसक्रीम ज़रूर से बनाइएगा। इसके बाद हम डाल देंगे फिर से टूटी फ्रूटी और काजू पिस्ता जो भी हमने रखा था सब डाल देंगे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। तो हमारा ये 2 ग्लास मैंगो फलूदा तैयार हो चुका है, आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बना है ये। और मेरे जो ये रेसिपी है मैंगो फलूदा की, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। एमकेआर किचन को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा। इसके बाद हम मिलेंगे आपसे रबड़ी फलूदा की रेसिपी में। तो तब तक के लिए बाय बाय।